हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? और आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो सुबह का सारा काम हो चुका है, ये काम पे जा चुके हैं और बच्चे जो हैं वो स्कूल जा चुके हैं, और बस अपना घर का जो डेली काम होता है वो सारा निपटा के और मैं नहा ली हूँ। और बस नहा हो के अब छत पे जाऊँगी धूप में, धूप सेकने के लिए। तो मैं बैठ गई हूँ धूप में, आके बाल सुखा रही हूँ और धूप बहुत अच्छी लग रही है। और आज बाल धो लिए मैंने, वैसे आज मंगलवार था ना, नहीं धोना था मुझे, लेकिन मैंने धो लिया क्योंकि मेरे बाल जो हैं बहुत गंदे हो रहे थे और काफ़ी दिन हो गए थे बाल मैंने नहीं धोए हैं। मैंने भैया दूज पे धोए थे, उसके बाद फिर हम साकुमरी गए थे तब धोए थे, तब से मेरे बाल धुले ही नहीं है और बहुत गंदे हो रहे थे, तो मैंने कहा चलो धो लेते हैं। और धूप में बैठी हूँ, नीचे ठंड बहुत लग रही थी, फिर तबीयत भी मेरी ठीक नहीं है। मतलब पता नहीं क्या होता है, रात को कोल्ड होता है, सुबह खांसी होती है। रात को कोल्ड होगा, सुबह खांसी होगी, दिन में बुखार चढ़ता है मुझे। रात को सुबह तो ऐसा लगता है कि गला ना मेरा बंद हो जाता है, और पता नहीं अजीब सा लगता है बहुत, गला बंद हो गया है, खांसी हो रही है, दस के उठ रहे हैं। दिन में बुखार चढ़ जाता है, दिन में शरीर ऐसा रहता है बिल्कुल थका थका सा कि कुछ करने का मन नहीं करता, काम भी करने का मन नहीं कर रहा। मेरे से ठंडा पानी भी नहीं पिया जा रहा है। मैं पानी भी अभी मैंने यहाँ रखा हुआ है लोटे में, थोड़ा सा धूप में हो जाएगा ना हल्का सा उसका, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो घर है ना ठंडा बहुत है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पेड़ बहुत है, पीछे देख रहे होंगे कितने सारे पेड़ हैं साल के, तो पानी भी ठंडा हो जाता है, कमरा भी बहुत ठंडा हो जाता है। नीचे इस समय अगर मैं जाके बेड पे बैठूंगी तो रजाई में बैठना पड़ेगा, बहुत ठंडा है। और मैं यहाँ पे अखरोट खा रही थी, और अभी जो अच्छे अच्छे निकल गए ना दाने वो मैंने खा लिए हैं, और कुछ ऐसे रह गए हैं जो अंदर अंदर रह जाते हैं ना, ये इन्हें मैंने यहाँ पर ढेर लगा रखा है, ये खूब सारा ढेर लगा रखा है। इन्हें मैं बिना पिन से किसी चीज़ से नुकीली चीज़ से निकाल के खाऊंगी, फेंकूंगी नहीं। और बच्चे स्कूल से आ गए हैं, और कृष्णा तो आ गया है, नीचे है, बल्कि ढूंढ रहे हैं बच्चे आज मुझे, मम्मी गई कहाँ है, मम्मी मम्मी मम्मी। बस क्योंकि मैं ज़्यादातर जो है ना छत में जल्दी से बैठती नहीं हूँ, लेकिन आज मेरा मन हो गया, छत में बैठ जाती हूँ, तो यहाँ पर चटाई बिछा के बैठी हूँ आराम से। कृष्णा क्या कर रहा इधर आ, हैं इधर आना बेटा। अरे हमारे इधर पूरी कॉलोनी कॉलोनी है, पूरी हरियाली हरियाली देखोगे आप, देखो सामने जंगल है, सामने देखोगे ना ये सारा, ये सारा आगे तक पूरा अंदर तक, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला ये अंदर तक जंगल है, बहुत बड़ा जंगल है इसमें, और चारों तरफ पेड़ है, मतलब घर के चारों तरफ आप देखोगे ना पेड़ ही पेड़ है। बैठे हैं चारों तरफ देख रहे हैं कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो मैं हो गई हूँ तैयार, और शक्ल मेरी कैसी हो रही है आज? मैंने ना बाल जो है तेल लगा लिया है, और चिपकू राम बन रही हूँ मैं, बिल्कुल चिपकू चिपकू हो रखी, चिपकू हो गई हूँ बिल्कुल, तेल लगा रखा, बहुत सारा तेल लगा लिया, कई दिनों में लगाया तेल। तो मैं तैयार हो गई और मैं जा रही हूँ सब्जी लेने के लिए, भाभी भी नीचे आवाज़ दे रही है तो लाइट बंद कर देते हैं, दो दो लाइट का क्या फ़ायदा, एक जल रही है और ये देख रही है मुझे घूर के बाकी। तो खाते थे वहाँ से, और तुम यही खेल रहे तुम लोग, तो देख लेना फिर मैं जा रही हूँ बेटा, ठीक है? अरे मास्क तो मैंने लिया ही नहीं, मैं ऐसे जा रही हूँ, मास्क भी तो लेना है यार, क्या यार। तो फिर सब्जी सब्जी ले आते हैं और फिर खाना बनाएंगे, देखती हूँ क्या सब्जी मिलेगी, क्या ले मैं लेकर आऊँगी। मास्क ढूंढो, मास्क ना एक बार ना धार दो ना तो दोबारा मेरे लिए ढूंढना मुसीबत हो जाती, कहाँ से कहाँ जाता है।
आवाज कम कर थोड़ी, टीवी की ज्यादा ही हो रही है। अरे मेरे बाल कैसे हो रहे चिपकू चिपकू सा, मैंने तेल लगाया ना मेरे बाल देख चिपकू चिपकू। हाँ चिपकू रख दे, ज्यादा उठ गया। कैसे हो गए बाल मेरे, ऐसे लगे सींग उठ गए। तो अभी आ गई हूँ, और आ तो गई थी मैं 6 बजे आ गई थी, 6 बजे हम आ गए थे। फिर आके चाय बनवाई है कृष्णा से, पता नहीं ऐसी आदत पड़ गई कि चाय जो है ना वो कृष्णा के हाथ की ही अच्छी लगती है, इसलिए मैं मुझे और किसी के हाथ का स्वाद ही नहीं आता, अपने हाथ का भी नहीं आता है, उसके हाथ की चाय मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी चाय बनाता है, कड़क चाय टाइप की। बस अभी चाय पी है, समोसे लाई थी, समोसे खा लिया सबने। तो हुआ क्या ना कि चिल्ड्रन डे पे मैंने कुछ बनाया नहीं था बच्चों के लिए, कुछ लाई भी नहीं थी। हाँ ये लेकर आए थे, इनके कंपनी की तरफ से कुछ पार्टी थी तो वहाँ से ये ले आए थे बच्चों के लिए, पर मैंने कुछ नहीं किया था। तो मैंने फिर आज कहा चलो समोसे ले आते हैं, जब गई हूँ उस साइड तो समोसे ले आई थी बच्चों के लिए, दो दो समोसे लाई हूँ बच्चों ने से लगा। बच्चों ने क्या, मुन्नू ने कहा दो दो समोसे, क्योंकि मुन्नू को समोसे बहुत पसंद है, फेवरेट है उसके। तो फिर आलू काट लिए थे कि आलू गोभी की सब्जी बनाऊंगी, और फिर वो कैंसिल हो गए हैं क्योंकि समोसे में ही सबने पेट भर गया है, चाय समोसे खा लिए हैं तो किसी को भूख नहीं है। लेकिन इनके पापा जी आएंगे, वो तो कहेंगे मुझे तो भूखा मार दिया तुमने। और उनके लिए फिर साग दे गई है भाभी, तो साग छोंक दूंगी, और रोटी है वो बन जाएगा उनके लिए, मुझे भी भूख नहीं है। और बल्कि कल वो खा कर आए थे, आज हमने खा लिया। तो गुड्डू आटा गूंध रही है, मैंने कहा थोड़ा सा आटा गूंध, रोटी सेकनी है। क्या वाह पानी किधर, मूली लेकर आई थी सुबह, मूली के पराठे, मूली के पराठे देखूंगे अगर सुबह जल्दी हो गया, क्योंकि पेपर का भी है तुम्हारा, अगर टाइम बचा तो बना लेंगे, नहीं तो फिर आलू काट के रखे गोभी बना लें। आलू गोभी है स्कूल में लेके जाएगी नहीं? हाँ अच्छा, अगर पाव मूली के पराठे खाऊंगी तो नहीं, आलू वो आलू रखे हुए ना, आलू गोभी की सब्जी बना लोगे सुबह, कल तो 2 पेपर है ना, तो लंच बना है स्कूल में, तो खा के चले जाना, आलू गोभी की सब्जी सुबह जल्दी बना लूंगी और पराठे बना दूंगी, पराठे खा के चले जाना, आलू के पराठे जो परसों बन जाए, परसों तो छुट्टी है तेरी, परसों छुट्टी, चल आटा गूंद ले। ठीक है फिर रोटी सेकेंगे, अभी आए नहीं है, अभी आ जाएंगे, अभी से 7:15 हो गए, मैं 6 बजे आई थी। और अब और ना पता नहीं मुझे जो है ना, मेरी वीडियो का टाइम नहीं पता चल रहा है कि मैं किस टाइम डालूं अपलोड करूं, मतलब वीडियो का कुछ टाइम नहीं पता चल रहा। मेरा जो एनालाइज का होता है हमारे यूट्यूब का होता है, तो वहाँ पे पता चल जाता है कि हमारे सब्सक्राइबर कितने हैं, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, कब वो आते हैं, कब वो जाते हैं, किस टाइम वो ज़्यादा अवेलेबल रहते हैं, और कहाँ कहाँ हमारी वीडियो देखे जा रही है, पूरा मुझे हमें पता रहता है। तो मेरे जो है ना सब्सक्राइबर मेरी वीडियो पे, वो शाम के टाइम आते हैं, और सबसे ज़्यादा वो रहते हैं 8 और 9 के बीच में रहते हैं। तो मेरा ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस टाइम अपलोड करूँ। अब 8 बजे डालूँ तो कुछ लोगों का ये होता है कि वो मतलब रात ही हो जाती है, 12 बजे, दूसरा 12 बजे के बाद दूसरा दिन लग जाता है तो वो दिन ख़त्म हो जाता है, और 9 बजे तो ज़्यादा ही हो जाता है। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या है क्या नहीं, उसके हिसाब से डाल रही तो व्यूज़ उतने ही आ रहे हैं। और वैसे जो है मुझे टाइम जो सही लगता है ना, वो 3 और 4 के बीच में ही मुझे सही टाइम लगता है, सुबह मैं डालती, सुबह कोई व्यूज़ नहीं आते, सुबह तो कुछ आता ही नहीं है। तो मेरे समझ में नहीं आ रहा किस टाइम डालूँ वीडियो, किस टाइम नहीं डालूँ। कल मैं आपको दिखाऊँगी जो मैं अभी बता रही हूँ ना, कल दिखाऊंगी आपको सब्सक्राइबर वगैरह व्यूज़ वगैरह में कितना आता है, कितनी मेरी इनकम अभी तक आई है जब से मेरा अभी तक चैनल बना है। चैनल बने मेरे चैनल को ये दिसंबर है, मैं 22 दिसंबर 21 हाँ 22 दिसंबर को 2 साल पूरे हो जाएंगे, वैसे 2 साल पूरे होंगे अभी, ये 19 नवंबर को मैंने अपना जो है चैनल क्रिएट करा था, चैनल बनाया था, और 9 तारीख को, आज क्या तारीख है, 16 तारीख, हाँ 9 तारीख को मैंने जो है अपना चैनल बनाया था, और 9 तारीख के बाद 10 दिन तक मैंने वीडियो डाली थी। उसके बाद कुछ दिक्कत ऐसी हो गई थी, कुछ लोगों ने कहते हैं ना चैनल बनाए बना बने, लेकिन लोगों को अपनी इज्जत कराया जाता है कि यह है वो है,
बहुत से थे ऐसे, कभी मैं डिटेल में बताऊंगी आपको क्या था क्या नहीं थी। मेरे चैनल बनाने से किस किस को दिक्कत हुई है, बहुत लोगों को दिक्कत हुई है कि मेरे चैनल के बनाने की वजह से, उनकी कहना क्या ना उनकी पर्सनल हाफ की पहन लिया ठंड के मौसम में, लोअर पूरा पहनता ना ये हाफ ठंडा, अभी पापा क्या कहेंगे, गर्मी का मौसम चला था तो बहुत लोगों को थी दिक्कत मेरे चैनल से। तो वो मैं बाद में आपसे कभी डिस्कस करूंगी। तो मैंने फिर जो है ना अपना चैनल छोड़ दिया था, मैंने कहा नहीं बनाती, छोड़ नहीं बनाती ये वो। तो इन्होंने फिर बोलने लगे मुझे, कई दिन हो गए मेरे से पूछने लगे तो वीडियो क्यों नहीं डाल रही है, ये है वो है। तो बहुत शौक से बनाया था मैंने, फिर बताया, कहने लगे तू क्यों किसी का सोची, जब कोई तेरा नहीं सोचता, जब कोई तेरे बारे में नहीं सोचता तो किसी के बारे में क्यों सोच रही है, तो जो करना कर। तो फिर मैंने सोचते सोचते मुझे 1 महीना लगा इस चीज़ को। फिर मैंने 22 दिसंबर से जो है डाट काली माता मंदिर गई थी, वहाँ से जो है मैंने अपना चैनल जो रिक्रिएट किया था दोबारा से, उसी चैनल पे वीडियो डालनी शुरू कर दी थी। तो मैं ना 22 दिसंबर से ही जोड़ती हूँ कि मेरा जो है 22 दिसंबर से ही मैंने चैनल बनाया, वही जोड़ती हूँ, क्योंकि उससे पहले मैं नहीं जोड़ना चाहती। उससे पहले जब मैंने चैनल बनाया था ना, तो उस बीच मैं रोई भी बहुत हूँ, मैं दुखी भी बहुत रही हूँ, बहुत कुछ हुआ था। मैं आपसे कभी डिटेल में डिस्कस करूँगी, अभी नहीं करूँगी क्योंकि फिर कुछ लोगों को बुरा लग जाएगा कि हाँ हमारे बारे में ऐसे ऐसी बात करी। तो ये 22 तारीख को दिसंबर में 2 साल हो जाएंगे मेरे चैनल को, और 2 साल में मैंने कितना कमाया है ये मैं कभी कल बताऊँगी आपको। आप कहोगे हाई इतने व्यूज़ आते, व्यूज़ तो आते नहीं और इनकम इतनी सारी हो रही है इसकी, तो कल मैं आपको बताऊँगी सारी सच्चाई। तो अभी तो बस यही है, गुड आटा गूंद रही है, ये आएंगे, रोटी बनाऊंगी, साग है भाभी ने भिजवा दिया है, कल बनाया था उसने, उसमें तड़का दे दूंगी हल्का सा। और बस वीडियो लंबी हो रही है क्योंकि मुझे लग रहा है मैं तो ऐसे ही स्टार्ट कर एंड कर दूँ, क्योंकि इसमें से भी मुझे कट 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 करना पड़ेगा जो मैंने अभी बात करी ना आपसे, कट 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 करना पड़ेगा, बहुत काटना पड़ता है मुझे पता। वीडियो में बना लेती हूँ लेकिन मुझे कटिंग बहुत करनी पड़ती है। और अभी सीरियल आ रहा है, मेरे बेटे को ये हो रहा है कि मेरी मम्मी जल्दी से वीडियो बंद करे ताकि मैं वॉइस खोल लूँ। तो बस वीडियो का एंड करते हैं, वीडियो मेरी पसंद आएगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए घंटे के साथ, घंटा भी बजा देना, और शेयर जरूर करना अगर आपको जरा सा भी लगे तो शेयर जरूर करना, कमेंट करके बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसे लगती। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले बाय, गुड नाइट, टेक केयर। मेरी रानी आ गई है आटा गूंद के, कुछ कहना है पहले? हाय बोलो। हाय। अब बोलो गुड नाइट। गुड नाइट। अब बोलो बाय बाय। और चिपक मत, ये जब चिपकती है ना मुझे अजीब सा होता है। बाय।